साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th के लिए हिंदी में कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 पर ऐसे देखेंगे। तो इस ऐसे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग इसमें श्लोक का भी प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना वायरस निबंध में हमारा रूपरेखा क्या है। तो रूपरेखा में हमारे निम्न पॉइंट हैं, जिसमें पहला है प्रस्तावना, सेकेंड है कोरोना वायरस कैसे फैलता है, थर्ड है कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, चौथा है कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या हैं, और पांचवा है कोरोना समस्या पर भारत की क्या पहल है, और छठवां है COVID-19 से निपटने के लिए किए जा रहे खोज या फिर प्रयास, और सातवां है उपसंहार। तो इस प्रकार से जो हमारा ऐसे है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम ये बताते हैं कि जो कोरोना वायरस है इसे COVID-19 के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट वाइज करके हम लिख देते हैं। अगला जो हमारा बनेगा, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमें पता नहीं चला है। कोरोना वायरस जो है ये कहाँ से आया और कैसे आया, यह हमें पता नहीं चला है। लेकिन समाचार पत्रों की दृष्टि से यह कोरोना जो है चीन के वुहान शहर से फैला है। वुहान से निकल करके यह चीन के अनेक राज्यों में गया है और देखते ही देखते विश्व में लोगों की ज़िंदगी से इसने खेलना शुरू कर दिया। तो ये हम कोरोना के बारे में बेसिक जानकारी लिखते हैं। 7 जनवरी 2020 को चीन ने नए वायरस कोरोना के बारे में जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को दी। तो 7 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि चीन ने जो कोरोना वायरस है इसकी जानकारी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी, और WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। तो ये हमारा पॉइंट है प्रस्तावना के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो यह वायरस संक्रमित मरीज यानी जिसे कोरोना रोग हो गया हो, तो यह वायरस संक्रमित मरीज के स्पर्श में आने से, छींकने खांसने से तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित मरीज के सतह स्पर्श से फैलता है। तो जो कोरोना वायरस है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का ये रोग है। यह संक्रमित व्यक्ति के छींकने से, खांसने से, स्पर्श करने से और उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को प्रयोग करने से भी फैलता है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कोरोना वायरस के लक्षण। तो खांसी, जुकाम, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होना, गले गर्दन में दर्द होना आदि कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। तो ये कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में परेशानी होना, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौतें भी हो सकती हैं। कोरोना वायरस जो है मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिन तक एक्टिव रह सकता है। तो ये हम पॉइंट लिखते हैं कोरोना वायरस के लक्षण में कि खांसी, जुकाम, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होना, गर्दन में दर्द होना, गले में दर्द होना, ये सभी कोरोना वायरस के लक्षण हैं। और जो कोरोना वायरस के लक्षण हैं बिना लक्षण दिखे भी जो कोरोना वायरस है यह व्यक्ति के शरीर में 14 दिन तक एक्टिव रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कोरोना वायरस से बचने के उपाय। तो कोरोना वायरस से स्वयं को मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बनता है कि घर से बाहर बिना मास्क के नहीं निकलना चाहिए। मास्क का प्रयोग करने के बाद इसे लगातार साफ करते रहें, इसे धोकर सुखाते रहें। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा सभी व्यक्तियों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सभी व्यक्तियों से हमें उचित दूरी बना करके रखनी चाहिए। संकट की इस घड़ी में सभी देशों द्वारा लॉकडाउन करने का फैसला एक सही एवं सटीक उपाय है। हमें यहाँ पर कोरोना वायरस का ऐसे निबंध लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा निबंध है वो हमेशा पॉजिटिव हो, वो हमेशा धनात्मक दिशा में दर्शाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि संकट की इस घड़ी में सभी देशों द्वारा जो लॉकडाउन करने का फैसला है वो सही और सटीक है।
है। हाँ ये है कि लॉकडाउन से थोड़ी समस्याएं जरूर उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ पर एक टैगलाइन लिखते हैं हम लोग कि कोरोना, जिसका अर्थ दर्शाते हैं कि को का मतलब कोई भी, रो मतलब रोड पर, ना मीन्स ना निकले, तो कोई भी रोड पर ना निकले ये हम लोग दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोरोना समस्या पर भारत की पहल, यानी इस कोरोना समस्या पर भारत की क्या पहल है। तो 21 मार्च सन 2020 को, 21 मार्च सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। तो भारत में लॉकडाउन कब किया गया? 21 मार्च सन 2020 को किया गया, तथा संपूर्ण देश में धारा 144 लागू कर दी गई। सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने के कारण ही मृत्यु दर में कमी आई है। ये भारत में कोरोना समस्या पर की गई एक पहल है कि सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी बनाए जाने के कारण ही जो मृत्यु दर है इसमें कमी आई है, यानी लोगों की मरने की संख्या में कमी आई है, तथा जो रिकवरी रेट है यानी जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं यह भी सुरक्षाजनक रहा। तो जो रिकवरी रेट है भारत का ये भी अच्छा रहा। तो ये थी भारत की पहल। और यहाँ पर हम लोग टैगलाइन लिखते हैं घर में रहेगा इंडिया, क्या लिखते हैं? घर में रहेगा इंडिया। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है कि कोरोना समस्या पर भारत की पहल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोविड-19 से निपटने के लिए खोज एवं प्रयास, यानी कि संपूर्ण विश्व में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुटी हुई है। जो संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व के जो डॉक्टर हैं, ये कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं, लेकिन जो सफलता है वो अभी तक हाथ नहीं लगी है। इसमें आयुर्वेदिक, कौन कौन से? आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी प्रयत्नशील हैं। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत का एक श्लोक ऐड करते हैं जिसे नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 समस्या पर उत्साह बढ़ाने के लिए बोला था। तो वो है उत्साहो बलवान आर्य ना अस्ति, उत्साहो बलवान आर्य ना अस्ति उत्साह परम बलम, सा उत्साहस्य लोकेषु न किंचित् अपि दुर्लभम। तो यहाँ पर इस श्लोक को हम लोग ऐड करते हैं जिसका अर्थ होता है कि उत्साह से बढ़कर कोई भी बल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उपसंहार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपसंहार। इसमें हम लोग लिखते हैं कि कोविड-19 नाम का यह वायरस अभी तक दुनिया के काफ़ी देशों में फैल चुका है। यह बहुत सूक्ष्म एवं प्रभावी वायरस है। यह बहुत सूक्ष्म है परंतु क्या है? प्रभावी वायरस है। संकट की इस घड़ी में सभी देश एक दूसरे के साथ सामंजस्य तथा सहयोग की भावना से साथ दे रहे हैं। भारत की जनता भी सरकार का सहयोग करने तथा सभी नियमों का पालन करने के लिए प्रयासरत है। हमारा क्या विचार है? हम ये दर्शा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जो संपूर्ण विश्व के लोग हैं सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें। तो यहाँ पर श्लोक हम लोग लिखते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यहीं पर जो हमारा एसे है वो कम्प्लीट हो जाता है। तो उपसंहार में हम लोग इस श्लोक को ऐड करते हैं। तो आप लोगों को कोविड-19 का ऐसे क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।